राहुल गांधी की तस्वीर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो रायबरेली की ये तस्वीर नजर आ रही है। राहुल गांधी से मिलने आए हैं आप लोग, ये तस्वीरें देख लीजिए। सोनिया गांधी की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। सोनिया गांधी को मिस कर रहे हैं। सोनिया तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ पीछे की तस्वीरें दीक्षा दिखा दीजिए, जहां लोग जो है वो लाइन लगाकर दोनों के रोड के दोनों तरफ जो है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें ये खोया मंडी है, अरखा मार्केट का इलाका है रायबरेली का, जहां पर ये लोग जो है वो तस्वीरें आपको पीछे की तरफ से दीक्षा यादव हमारी कैमरा पर्सन दिखा रही है। इसके पहले आपको बता दें रायबरेली में राहुल गांधी का एक भाषण हुआ और उस भाषण में खास तौर पर पेपर लीक का जिक्र राहुल गांधी ने किया, भर्ती घोटाला जो है उसका जिक्र किया। दो साल से जो युवा इंतजार कर रहे हैं उसका बात की उन युवाओं से भी हमने, और उन युवाओं का ये कहना था कि योगी सरकार को अपनी बात बताने के बावजूद वहां से कोई हल जो है वो नहीं निकला है। आप देख लीजिए तस्वीरें राहुल गांधी की रायबरेली, कैसा माहौल लग रहा है आपको? राहुल जी के लिए अमेठी और रायबरेली एक घर है, एक परिवार है, और यहाँ के लोगों के लिए के दिल में गांधी परिवार की जो निष्ठा और जो प्रेम है वो किसी को सब बताने की जरूरत नहीं। जी, तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, छोटी सी बच्ची है जो रायबरेली की इस यात्रा में आई है। इन लोगों से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, पीछे राहुल गांधी का काफिला है और बच्चे जो है वो भी अपने माता पिता के साथ आए हुए हैं। जी, कल यात्रा अमेठी में थी तो अमेठी के लोगों का प्यार वो देखने लायक था। किसी के साथ चाय पी है, कुछ खाया है, और वहाँ के लोगों की जो मोहब्बत है वो अपार दिखने को मिली। अमेठी के लोगों का एक ही संदेश था कि आज हमारी अमेठी के भाग्य खुल जाएंगे क्योंकि आज राहुल जी आएंगे। और 2024 के चुनाव के लिए अमेठी के लोगों ने बोला कि अब की बार चुनाव अपनी यहीं से लड़ा और रिकॉर्ड तोड़ मोटो से अमेठी से आपको जिता के भेजेंगे। और रायबरेली की जनता, आप रायबरेली से ही हैं? देखिए रायबरेली से हैं आप, ये बताइए सोनिया गांधी को मिस कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, असल गांधी मतलब वोटर्स ऑफ द रायबरेली पीपल। इस बार क्या चाहते हैं, कौन यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे? प्रियंका गांधी। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा 7 लाख वोटों से जीतेगा। गांधी परिवार है रायबरेली। विकास की बात करें तो ये मार्केट का ठीक ठाक इलाका हमें नजर आता है, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है अब तक रायबरेली? जो भी रायबरेली दिखाई दे रहा है गांधी परिवार ने किया है। गांधी परिवार हाइट देन मत डेवलप, किसी ने एक ईटे रखी एम्स बनवाया, एम्स के बाद उन्होंने यहाँ पे बीटेक का बनवाया, रेल कोच बनाया, सारी व्यवस्थाएं की दी हुई है। आज रायबरेली में कोई कुछ कह नहीं सकता, जो कुछ दिया हुआ है गांधी परेश ने। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य लड़ेगा ऐतिहासिक जीत जीतेगा। गांधी परिवार के अलावा यहाँ किसी की जमानत जब्त हो जाएगी। गांधी परिवार के लिए चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, उनके सामने लड़ने वाले की जमानत जब्त होगी और राहुल जी प्रियंका जी 7 लाख वोटों से जीतेंगे। वो कैसा व्यक्ति है अनेबल राहुल गांधी है मध्योल, फिर वही बात। ये लगता है कि रायबरेली से, क्योंकि एक एक मात्र सीट जो कांग्रेस के कब्जे में है उत्तर प्रदेश में वो रायबरेली है। इस बार हम जो है तो इंडिया की सरकार बनेगी, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ ये बताइए कि अखिलेश यादव के साथ जो कांग्रेस का अलायंस है, जो गठबंधन है, वो फिलहाल उस पर सवाल फिर से खड़े हो गए। आप चाहते हैं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो? विकास की बात है जहां उसकी बात है, न्याय की बात है, न्याय और विकास की बात का जो साथ देगा उसके साथ राहुल गांधी एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे, उनका पूरा हक बनता। किसी ने कुछ नहीं किया, गांधी परिवार की देन है। तो दीक्षा दिखा रही है इस वक्त रायबरेली की तस्वीरें हैं और ये तमाम युवा जो है वो दिखाई दे रहे हैं, भारी तादाद में युवा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, ढोल नगाड़े जो है वो बज रहे हैं इस वक्त। अरे लड़े कोई भी गांधी परिवार से, दबदबा वही रहेगा, चाहे सोनिया गांधी चाहे प्रियंका गांधी चाहे राहुल गांधी, कोई भी यहाँ पर राहुल गांधी ही आए, राज्य का विकास तो वही करेगा। रायबरेली से किसको चुनाव लड़ना चाहिए इस बार? प्रियंका गांधी का नाम भी कई लोग जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम के साथ जो है वो आगे बढ़ यहाँ पर अलग अलग नाम जो है वो आ रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी।